Welcome grade 8. Today we will do the exercise of unit number 17, the guest house. In my previous lecture, we have discussed the translation of this poem. Solve our exercise. Open page 166. B. Choose the correct option. What does word furniture mean in the following line? Who violently sweep your house empty of its furniture? Option A is happiness, B equipment, C people, and D instrument. According to the text, its correct option is A happiness. Number 2, what comes as an unexpected guest in the poem The Guest House? A option is emotion and feelings, B friends and family, C human being, D visitor and guest. And the correct option is emotions and feeling. Third is, in the poem the poet suggests to dash face the painful thoughts with rejection and refusal instead of delight? No. B face the uncomfortable thoughts with acceptance and courage instead of contempt. Next, C face the painful thoughts with denial and cowardice instead of approval. D face the comfortable thoughts with acceptance and courage instead of admiration. So correct option is B face the uncomfortable thoughts with acceptance and courage instead of contempt. So here we have B option, that is correct. नेक्स्ट देखते हैं पेज 167. फर्स्ट वी हैव वोकैबुलरी. इन वोकैबुलरी वी हैव टू क्वेश्चंस. दीज टू क्वेश्चंस आर योर होमवर्क. डू इट बाय योरसेल्फ. यू नो इट वेरी वेल हाउ टू डू दीज टू क्वेश्चंस. नेक्स्ट देखते हैं. हियर इन ग्रामर पोर्शन वी हैव एडवर्ब्स एंड इन एडवर्ब वी हैव काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स. So first of all, we should know what is an adverb. Adverb is a modifier that modify a verb, adverb, an adjective. यानी कि बच्चों ये इन तीन चीज़ों को modify करता है, verb को, adjective को and another adverb को. Here we have question in the following sentence. Underline the adverb and state whether they are adverb of manner, place, time, degree, reason or frequency. First one is the girl sang sweetly. तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस sentence में adverb क्या है. तो देखें, the girl sang sweetly. अब sang verb है. अब उसको मॉडिफाई क्या चीज़ कर रही है? स्वीटली. तो जो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा हो वो क्या होता है? एडवर्ब. तो स्वीटली यहाँ पे एडवर्ब है और ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, प्लेस है, टाइम है, डिग्री है, रीजन और फ्रीक्वेंसी है. हमने ये भी साथ मेंशन करना है. यहाँ पे स्वीटली एडवर्ब ऑफ मैनर है क्योंकि ये इसके मैनर्स को एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे वो गा रही है स्वीटली. नेक्स्ट है व्हाट इज ही डूइंग आउटसाइड. तो यहाँ पे आउटसाइड हमारे पास एडवर्ब है और ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है. क्यों? ये लोकेशन बता रहा है. व्हाट इज ही डूइंग आउटसाइड, तो ये क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. पेज 168. वी विजिट देम फ्रीक्वेंटली. नेक्स्ट एडवर्ब हमारे पास है जी फ्रीक्वेंटली और ये नाम से ही बता रहा है जी, ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है. वी विजिट देम फ्रीक्वेंटली. फ्रीक्वेंटली यहाँ पे हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है. नेक्स्ट फोर्थ वन, आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून. अब सून यहाँ पे एडवर्ब है और ये एडवर्ब ऑफ टाइम है. यहाँ पे टाइम बता रहा है जल्दी. फिफ्थ है, द ओल्ड वुमन वॉज वॉकिंग स्लोली. स्लोली यहाँ पे एडवर्ब है और ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है.
क्लियर। नेक्स्ट है द किटन्स आर प्लेइंग देयर। देयर ये भी लोकेशन बता रहे हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। सेवन ही डिड नॉट वर्क हार्ड देयरफॉर ही फेल्ड। अब हार्ड हमारे पास एडवर्ब है और ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। क्लियर। नेक्स्ट द गर्ल डांस ग्रेसफुली। ग्रेसफुली एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट नंबर 9 यू आर एब्सोल्युटली राइट। अब एब्सोल्युटली यहाँ पे एडवर्ब है और ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। लास्ट वन वी हैव बीन लिविंग हेयर फॉर सेवरल ईयर्स। अब हेयर जो है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। वी हैव बीन लिविंग हेयर फॉर सेवरल ईयर्स, तो हेयर का यहाँ पे क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट देखते हैं पोजिशन ऑफ एडवर्ब्स। री राइट द कम्प्लीट सेंटेंस यूजिंग द एडवर्ब इन ब्रैकेट इन इट्स करेक्ट पोजिशन। द फर्स्ट वन इज ही लिसन्स टू द रेडियो, एंड ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, ऑफन। तो ऑफन को हमने उसकी सूटेबल प्लेस पे लगाना है। ही ऑफन लिसन्स टू द रेडियो, तो कहाँ पे आएगा लिसन, ही आफ्टर ही के बाद हमारे पास ऑफन आएगा। दे रीड अ बुक, और हमने यूज क्या करना है, सम टाइम। इसकी करेक्ट प्लेस क्या होगी, सम टाइम दे रीड अ बुक। सम टाइम बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगा। नंबर 3 पलवशा गेट्स एंग्री, और हमने यूज क्या करना है, नेवर। नेवर कहाँ पे आ जाएगा, आफ्टर पलवशा। पलवशा नेवर गेट्स एंग्री। नंबर 4 तमीना इज वेरी फ्रेंडली। यूजली कहाँ पे आएगा, तमीना इज यूजली वेरी फ्रेंडली। आफ्टर इज वी विल यूज यूजली। नेक्स्ट है आई टेक शुगर इन माई कॉफी, और समटाइम को यूज करना है हमने, आई समटाइम टेक शुगर इन माई कॉफी। नंबर 6 राशन एंड फरक आर हंग्री, और हमने ऑफन को यूज करना है उसकी करेक्ट प्लेस पे। राशन एंड फरक आर ऑफन हंग्री। लास्ट वन माई ग्रैंड मदर goes for a walk in the evening. My grandmother always goes for a walk in the evening. After grandmother, we will use always. Next hai ji, which of the following sentences is correct according to position of adverb? First hai ji, never. Never dekhte hain uski 4-3 example hai hamare paas. I have never seen a whale. I never have seen a whale. See, never I have seen a whale. तो करेक्ट वन है जी ए हमारे पास, I have never seen a whale. Next number 2, I'm really late for walk. Next है बी, really I am late for work. And see, I really am late for work. तो फर्स्ट वन है जी करेक्ट वन, आई एम रियली लेट फॉर वर्क। नंबर 3 ऑलवेज, यूज ऑफ ऑलवेज, ए है आई गेट अप अर्ली ऑलवेज, बी ऑलवेज आई गेट अप अर्ली, सी आई ऑलवेज गेट अप अर्ली। सो द करेक्ट वन इज सी, आई ऑलवेज गेट अप अर्ली। नेक्स्ट पेज देखते हैं, पेज 169। नेक्स्ट है हमारे पास सम टाइम। इट सम टाइम गेट्स वेरी विंडी हेयर, बी है समटाइम्स इट गेट्स वेरी विंडी हेयर, एंड सी ऑप्शन इज बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट। बोथ आर नॉट करेक्ट, द फर्स्ट वन इज करेक्ट, सॉरी नॉट फर्स्ट वन, बी ऑप्शन इज करेक्ट, समटाइम्स इट गेट्स वेरी विंडी हेयर। नेक्स्ट है जी ऑफन, माई बॉस इज ऑफन बैड टेम्पर्ड, बी माई बॉस ऑफन इज बैड टेम्पर्ड,
सी इज माई बॉस इज बैड टेम्पर्ड ऑफन. सो द करेक्ट वन इज ए, माई बॉस इज ऑफन बैड टेम्पर्ड. ओके स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ टूडेज लेक्चर. आई विल ऑल्सो अटैच द इमेजेस ऑफ सॉल्व एक्सरसाइजेस, यू कैन सी फ्रॉम देयर. सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह हाफिज़.